और ये गुलदस्ता पेश करेंगे कादिर भाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रशीद भाई, अपना कीमती समय निकाल के स्टेज पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डीजे। फर्स्ट हाफ का गेम चलता हुआ राहिल एफसी और एफसीवी के बीच में ये मैच देखा जा रहा है। इसके बाद की दोनों ही टीमें रेडी रहे। यूनाइटेड ए और अलफता एफसी। फिरोज भाई आपको स्टेज पर आना है, फिरोज भाई एसी वाले आपको स्टेज पर आना है। बिल्कुल, कल आप देखेंगे ग्रेट पर्सनालिटी महेश चौगले साहब और उनके साथ देंगे संतोष शेट्टी और हमारे एक और एमएलए रईस शेख साहब का भी आगमन होने वाला है कल। कल एक से बढ़कर एक मुकाबले भी होंगे तो एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज भी आएंगे। बिल्कुल रशीद भाई, कादिर मेमन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाल के आए, ऐसा हमारे कादिर मेमन का कहना है। इसके बाद जिसका मुकाबला है यूनाइटेड ए और अलफता एफसी, आप दोनों ही टीमों को रेडी रहना है किट करके। इस मैच के तुरंत बाद आपको ग्राउंड पर उतरना है, काफी राउंड कराना है अभी। ओ बहुत ही अच्छा अटैक मगर नाकाम रहे। कादिर भाई का ऐसा कहना है कि हमारे बीच वो जो रशीद भाई पहले मदनपुरा में रहते थे अब यहाँ आए और ये देखिए बहुत खूबसूरत अंजुमन को तैयार की। बिल्कुल एक टाइम था जब हम बहुत छोटे थे तब की बात बता रहे तो, लेकिन भिवंडी में आने के बाद एक अपनी उपलब्धि बनाना बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद रशीद भाई। बिल्कुल धोबी तलाव स्टेडियम वाले का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो लौट चलते खेल की तरफ, ओवर टू अब्दुल्ला। फर्स्ट हाफ का गेम चलता हुआ, स्कोर है 0-0। इसके बाद की दोनों ही टीमें रेडी रहे, यूनाइटेड ए और अलफता एफसी, और उसके बाद की भी दोनों ही टीमें रेडी रहे, साहिल बी और अंजुमन ए। क्या कटिंग करे, डॉक्टर आरिफ सर आप जहां कहीं भी हो स्टेज पर आ जाइए। डॉक्टर आरिफ सर यूनाइटेड के, कादिर मेमन आपको याद कर रहे। कादिर मेमन आपको याद कर रहे हैं डॉक्टर आरिफ सर। फर्स्ट हाफ का गेम चलता हुआ, स्कोर है 0-0। काफी अच्छा शॉट मार रहे हैं मगर उससे ही अच्छी डिफेंडिंग। बहुत कॉन्फिडेंस से पास खेल रही है एफसीवी पीछे। क्या गेम हो रहा है,
एमडीएफए के रेफरी हमारे, उनके बगैर ये टूर्नामेंट अधूरा है। काफी अच्छी रेफरी कर रहे हैं। और एमडीएफए के नामचीन रेफरी है ये। अर्जित सर और पांडे सर बहुत ही अच्छा अटैक मगर नाकाम रहे, उससे ही अच्छी गोलकीपरिंग करते हुए एफसीबी के गोलकीपर। तो मिराज भैया, आप जहाँ कहीं भी, आपको यूसुफ मौलाना से रابطہ कायम करना है, आपको बहुत याद कर रहे हैं यूसुफ मौलाना जी। मिराज भैया, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से भी, तो इस बात का ध्यान दे। यूनाइटेड के अशफाक भाई, जहाँ कहीं भी आपको स्टेज पर आना है, यूनाइटेड के अशफाक भाई काफी पुराने प्लेयर है। अशफाक भाई, आरिफ भाई और अशफाक भाई यूनाइटेड के दोनों ही, अशफाक भाई जहां कहीं भी आप स्टेज पर आना है आपको। डॉक्टर आरिफ साहब, आप जहां कहीं भी स्टेज पर आ जाइए। डॉक्टर आरिफ सर, और अशफाक भाई आते हुए, इसके बाद की दोनों ही टीमें रेडी रहे। यूनाइटेड ए और हमारे बीच यूनाइटेड के एक जानदार और एक नामचीन प्लेयर जो अपने आप को यूनाइटेड के लिए कई साल दिए है, अशफाक भाई, इनका हम पीसीसी ट्रॉफी 2023 में वेलकम करते भी, वेलकम यू अशफाक भाई। इसके बाद की दोनों ही टीमें रेडी रहे, यूनाइटेड ए और अल्फाता एफसी। तो अब मैं आवाज लगाऊंगा, साहिद चंडेल आपको आगे आना है, हमारे बीच मौजूद अशफाक भाई का सत्कार अपने हाथ से करना है, उनके इज्जत अफजाई में ये शॉल और ये गुलदस्ता पेश किया जाएगा। नासिर भाई के छोटे भाई अज्जू, बहुत बहुत धन्यवाद अशफाक भाई अपना कीमती समय निकाल के पीसीसी टूर्नामेंट में आने के लिए। और इसी के साथ फर्स्ट हाफ का गेम खत्म होता हुआ, स्कोर है 0-0। इसके बाद की दोनों ही टीमें रेडी रहे, यूनाइटेड ए और अल्फता एफसी। उसके बाद की जो टीमें, आठवां राउंड जिसका है वो साहिल बी और अंजुमन ए के बीच देखा जाएगा। नौवा मुकाबला आप देखेंगे पीसीसी और साहिद मेंडा जूनियर के बीच में। दसवां मुकाबला आप देखेंगे गुलशन जूनियर और अमन बी के बीच। और 11वां मुकाबला आप देखेंगे रॉक्सी बी और आफत बॉयज के बीच में। और 12वां मुकाबला आप देखेंगे आजमी एफसी और गैमर, और ये मुकाबला हो चुका है। 12वां मुकाबला अंजुमन बी और इस मैच की विजेता टीम। सेकेंड हाफ का खेल स्टार्ट होता हुआ,
अत्या दादा और अज्जू और अल्लो स्टेज को संभालते हुए रेफरी से कोई बहस नहीं करेगा। मेहरबानी करके रेफरी से कोई प्लेयर बहस नहीं करेगा, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो MDFA के बेस्ट रेफरी है। राहिल FC कमेटी, आपको जाना है ग्राउंड पर, क्या मसले मसाइल है? टी शर्ट का कुछ इशू आया था, वो क्लियर हो चुका है। कलीम भाई जहाँ जाते हैं वहाँ क्लियर करके आते हैं। रेफरी आपको मैच चालू करना है, सुनना सबकी है, करना अपनी है, क्योंकि आप MDFA के बहुत ही अच्छे रेफरी है और रेफरी को कोई सिखाएगा नहीं, उनको सब समझता है क्या करना है क्या नहीं। मेहरबानी करके अपने गेम पे ध्यान दे। और सेकंड हाफ का गेम स्टार्ट होता हुआ के बाद की दोनों ही टीमें रेडी रहे, यूनाइटेड ए और अल्फाता FC। अब दोनों ही टीमों को किट कर रेडी रहना है, इस मैच के तुरंत बाद आपको ग्राउंड पर उतरना है। गोल किक, और हमारे बीच नैफ काफी मेहनत मुशक्कत करते हुए PCCC ट्रॉफी Season 2 में पटेल कंपाउंड में जितने भी टूर्नामेंट होते हैं नायफ उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते हैं। और फिर एक काउंटर अटैक मगर सफल नहीं हो पाए, और ये बहुत ही अच्छा शॉट मगर नाकाम रहे। काफी अच्छे अच्छे गेम देखने मिल रहे हैं। फहीम है, अफाक है, अमजद निर्वाण है, अज्जू है, साहिल है, अल्लो है, फरहान है, कलीम है, काफ़ी मेहनत मुशक्कत करते, काफ़ी संभाल रहे। कलीम भाई आपका नाम लिया गया, लग रहा आप सुने नहीं। डॉक्टर कलीम फिजियोथेरापिस्ट। अब्दुल्ला ऐसा नहीं, कलीम डॉक्टर है मगर वो
ओरिजिनल डॉक्टर नहीं है। अच्छे नासिर शेख नकली डॉक्टर बोलते जिसको, टूर्नामेंट के खाली डॉक्टर है वो। और फॉल होता हुआ फ्री किक मिलती हुई एफसीवी को, स्कोर है 0-0। और बहुत ही अच्छा पास क्या निकल रहे है, मगर उससे भी अच्छी डिफेंडिंग एफसीवी की, क्या कटिंग करे है? अब देखा जाएगा, मगर नाकाम रहे। तो दूसरे हाफ का खेल चल रहा है, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 0-0। ना तो एफसीवी मौका दे रही, ना ही राहिल एफसी एक दूसरे को। ये तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन और क्या अटैक भारी पड़ता है। बहुत ही अच्छा अटैक और उससे भी अच्छा सेव करते हुए एफसीवी के गोलकीपर। सेकंड हाफ का गेम चलता हुआ है, स्कोर है 0-0। इसके बाद के जो राउंड है उसका लिखा जोखा आपको बताया जा रहा है। यूनाइटेड ए और अलफता एफसी, आप दोनों ही टीमों को किट कर कर रेडी रहना है। इस मैच के तुरंत बाद आपको ग्राउंड पर उतरना है। और आठवां राउंड है साहिल बी और अंजुमन ए के बीच देखा जाएगा। नवा मुकाबला आप देखेंगे पीसीसी बनाम शाहिद मेंडा जूनियर। आज का 10वां मुकाबला देखेंगे गुलशन जूनियर और अमन बीच के बीच। आज का 11वां मुकाबला देखा जाएगा रॉक्सी बी और आफत बॉयज के बीच। आज का 12वां मुकाबला देखा जाएगा अंजुमन बी और इस मैच की विजेता टीम। क्या टेलीकास्ट दिखाया जा रहा है, और फ्री किक लेते हुए नेक्स्ट मैच के लिए दोनों ही टीम किट करके रेडी रहना। अब्दुल्ला भाई इसके बाद जिस टीम का मैच है एक बार रिमाइंड लगा दे। इसके बाद की दोनों ही टीमें यूनाइटेड ए और अलफता एफसी, इस मैच के तुरंत बाद आपको ग्राउंड पर उतरना है। आज पूरा राउंड खिलाया जाएगा। कैमरे को सेफ रखना है, कमेटी के जो भी बैठे हैं। और गोल किक लेते हुए एफसीवी के गोलकीपर और इमरान, हवाई फायर इमरान। क्या जबरदस्त खेल दिखा रहे अभी तक दोनों ही टीम, राहिल और एफसीवी। ओहो मौका बना रहे हैं मगर गोल मारने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देखना होगा सेकंड हाफ का। मैं कहता हूं अब्दुल्ला आखिरी लम्हा चल रहा है मेरे ख्याल से। क्या ये मैच पेनल्टी की तरफ जा रहा है ये तो वक्त बताएगा, या फिर कोई जादुई टांग से कोई जादुई गोल निकाल के अपने टीम को 1-0 की बढ़त दिलाएगा। मेरे ख्याल से दोनों ही टीम ये चाहती है कि मैच पेनल्टी पे जाए, इसलिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है गोल मारने का ज्यादा। काफी कम अटैक देखने को मिल रहा है नासिर। तो हमारे बीच आकाश भाई का आगमन हो चुका है, इनका हम पीसीसी ट्रॉफी में तहे दिल से इस्तकबाल करते वेलकम करते भी वेलकम यू वेलकम यू वेलकम यू। ये मैच गया है राहिल एफसी और एफसीवी के बीच। अब देखा जाएगा
कि क्या होता है। तो मैं आवाज लगाऊंगा, तौफिक सिन्हा आपको आगे आना है। हमारे बीच मौजूद फेना गांव के दबंग पर्सनैलिटी आकाश भाई की इज्जत अफजाई में उनको शॉल और गुलदस्ता पेश करेंगे तौफिक सिन्हा। आकाश भाई ये देखिए, सबसे पहले उनको शॉल से सम्मानित करेंगे तौफिक सिन्हा, फेना गांव किंग आकाश भाई। ये देखिए, और साथ में एक खूबसूरत गुलदस्ता कादिर भाई भी ज्वाइन कर दिए, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। कादिर भाई आपको कहीं नहीं जाना, हमारे बीच मौजूद धीरज भाई, धीरज भाई का सत्कार और सम्मान कादिर मेमन के हाथों से किया जाएगा। देखिए सबसे पहले कादिर मेमन अपने शुभ हाथों से, अपने दस्ते मुबारक से ये शॉल और ये गुलदस्ता पेश कर रहे धीरज भाई को। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भाई। और इस मैच को जीत लिया है राहिल एफसी, हार्ट लग एफसी भी। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन राहिल, कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान, क्या बात है। एक और कदम, बल्लू मैन ऑफ द मैच, बल्लू इज द मैन ऑफ द मैच, बल्लू। आकाश भाई के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा बल्लू को। आकाश भाई और धीरज भाई आप दोनों के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा सबसे पहले। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है बल्लो, बल्लो बल्लो बल्ले बल्ले कम यार बल्लो। कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले मैं आवाज लगाऊंगा आकाश भाई, आपको अपने शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच बल्लू को देना है। तो ये देखिए बल्लो बैग कहाँ है, इमामुद्दीन चाचा के हाथों से।